तो क्या एक लड़की की भरे बाजार में इज्जत उतरते देख भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हम? शिखर उसके साथ कमरे में बैठे रवि को ये बोलता है। दोनों शीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अब करे भी क्या, तुमसे जितना हो सकता था तुमने किया। अब ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही परीक्षा देने का समय, रवि मुंह लटकाए बोलता है। रवि सामने खड़े शिखर को देखकर बोलता है कि इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम करेंगे कहां से? थोड़े बहुत होते तो कोशिश भी करते, लेकिन 6 करोड़, मैंने तो इतने सारे पैसे कभी सपने में भी नहीं देखे। दोनों थोड़ी देर खड़े कुछ सोचते हैं, फिर शिखर बोलता है, मैंने फैसला कर लिया है, बस एक ही तरीका है नाइट क्लब खरीदने का। मैं होटल गिरवी रखने वाला हूँ, फिर जब परीक्षा पास करने पर पैसे आ जाएंगे मैं होटल वापस खरीद सकता हूँ। रवि सवाल उठाता है, मगर क्या ये सही होगा, एक होटल गिरवी रखना बस शीना की खातिर? शिखर रवि की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, मैं ये सिर्फ शीना के लिए नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह अगर कोई अनजान लड़की भी होती तो मैं यही कदम उठाता। रवि भी शिखर की बात मानते हुए बोलता है, अगर होटल बेचना भी है तो क्या इतना जल्दी कोई तैयार होगा इसे खरीदने को? शिखर एक लंबी गहरी सांस लिए बोलता है, ये तो होटल जाकर जोसेफ से पूछने पर ही पता लगेगा। और वो दोनों जोसेफ से मिलने होटल में जाते हैं। शिखर और रवि के होटल में घूमते हुए गार्ड उसे सलाम करता है। जो वहाँ से गुजरता है सब उसे सर झुकाकर गुड मॉर्निंग करते हैं। शिखर को देखते ही जोसेफ उसके पास आता है और जोसेफ शिखर का चेहरा पढ़ लेता है। क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं? और एक वेटर को इशारा करते हुए बोलता है, सर के लिए पानी लाओ जल्दी। शिखर पानी का गिलास लेता है और पीते पीते जोसेफ से कहता है, मुझे एक जरूरी बात करनी है। शिखर इधर उधर देखता है, सबके सामने नहीं, कहीं एकांत में चले। जोसेफ स्मोक रूम की तरफ इशारा करता है, आए सर वहाँ चलते हैं। शिखर रवि और जोसेफ दोनों स्मोक रूम की तरफ चल देते हैं। जोसेफ शिखर के लिए दरवाजा खोलता है और कहता है, हाँ सर अब बताएं, क्या कह रहे थे आप? मुझे ये होटल बेचना है। शिखर के मुंह से ये बात सुनते ही पहले तो जोसेफ को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। आप मजाक कर रहे हैं ना? जोसेफ कहता है, नहीं मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, इस वक्त इससे ज्यादा गंभीर मेरे लिए कुछ नहीं है। इतने में स्मोक रूम का दरवाजा खुलता है और अनन्या वहाँ आ जाती है। अनन्या को देखते ही जैसे सबको सांप सूंघ जाता है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया और तुम लोग यहाँ हो? अनन्या आते ही कहती है। जोसेफ अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, पर शिखर सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अचानक होटल क्यों बेचना चाहते हैं? आपने कुछ ही दिन पहले तो खरीदा है। अनन्या ये सुनते ही चौंक जाती है, होटल बेचना चाहते हैं, कौन क्यों? शिखर कहता है, मुझे एक नाइट क्लब खरीदना है। जोसेफ हंसता है और कहता है, अब आप सच में मजाक कर रहे हैं, और आपके पास तो इतना पैसा है, आपको होटल बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? शिखर एक मिनट मेरे साथ आओगे? अनन्या शिखर को जोसेफ से थोड़ा दूर ले जाती है। अनन्या यही सोच रही थी कि अगर शिखर ने होटल किसी और को बेच दिया तो शिखर से होटल वापस अपने नाम करवाने की उसकी बनी बनाई योजना पर पानी फिर जाएगा। वो तो इसी सोच में थी कि शिखर से झूठा प्यार दिखाकर आसानी से होटल हत्या लेगी। तुम्हें हुआ क्या है, और ये अचानक होटल बेचने की बात कहाँ से मन में आ गई, और अब अचानक नाइट क्लब क्यों खरीदना है तुम्हें? सब ठीक तो चल रहा है ना? कुछ समस्या है तो तुम मुझे बताओ, हम मिलकर देख लेंगे, लेकिन होटल बेचने की क्या जरूरत है? अनन्या उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शिखर को पता ही नहीं है कि अनन्या के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता था। शिखर सोचता है कि अनन्या से क्या छुपाना, उसे बता देना चाहिए। एक लड़की ने मेरी जान बचाई और अब उसकी जान मेरी वजह से खतरे में है, और उसकी मदद करने का एक ही रास्ता है कि मैं नाइट क्लब खरीद लूं। शिखर उसे पूरा वृतांत सुनाता है और बताता है कि अगर उसने शीना की मदद नहीं की तो वो लड़का उसके साथ क्या करेगा। अनन्या तंज कसते हुए कहती है, उस लड़की से तुम एक दिन मिले हो, जिसे तुम मुश्किल से जानते हो, उसके लिए खुद को मुसीबत में डाल रहे हो, और ये लड़कियां जो दूसरों के पैसे पे नाचती है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, इन सबकी मिली भगत होती है, तुम्हें लूटने की साजिश है ये और कुछ नहीं। तुम बर्बाद हो जाओगे और वो लड़की खड़ी तमाशा देखती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मेरी मदद की तो अब मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उसे इस मुसीबत से निकालूं। इतने में जोसेफ चलता हुआ आता है, एक्सक्यूज मी सर, शिखर उसके साथ जाता है। इधर अनन्या यही सोचती रह जाती है कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा, वो ये डील नहीं होने दे सकती है। जोसेफ कहता है कि एक पार्टी ने रुचि तो दिखाई थी, आप कहें तो मैं उनसे मुलाकात करा सकता हूँ? हाँ जितना जल्दी हो सके उनसे मेरी मुलाकात कराओ, मुझे 3 दिन में डील फाइनल करनी है, शिखर भरे हुए दिल के साथ कहता है। अगले दिन शिखर को फोन आता है, जोसेफ ने मीटिंग फिक्स कर दी है। सुबह शिखर अच्छे कपड़े पहनकर होटल के लिए निकलता है और उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि बस ये डील हो और पैसों का इंतजाम हो जाए। वो होटल पहुंचता है, जोसेफ उसे मिलता है और उसे सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले जाता है। सर आप जल्दी आ गए, आप बैठिए, प्रसाद सर भी आते ही होंगे, मैं देख कर आता हूँ। जोसेफ ये बोलकर वहां से निकल जाता है। जोसेफ के जाते ही अनन्या वहां आ जाती है।
शिखर वहां रईसों की तरह बैठा था और वक्त कितना भी बुरा हो, होटल का मालिक तो अभी भी था और अनन्या बस इसी फिराक में थी कि उसे मौका मिले और वो ये डील होने से रोक दे। शिखर से ज्यादा उसे खरीदने आ रहे प्रथमेश प्रसाद का इंतजार था। अनन्या शिखर के पास जाती और कहती है, तो तुमने मन बना ही लिया है? मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक बार और सोच लो, अभी भी वक्त है। मैंने फैसला कर लिया है। शिखर को अनन्या को ऐसे देखकर खुशी तो नहीं हो रही थी, पर वो भी मजबूर था। मैं जरा स्टाफ को देख के आती हूँ, अनन्या ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही अनन्या बाहर निकलती है, वो देखती है कि जोसेफ किसी को वॉशरूम का रास्ता दिखा रहा है, तो देखने में काफी रईस लग रहा था। अनन्या जोसेफ से पूछती है कि ये कौन है, और उसका शक सही निकलता है। जोसेफ उसे बताता है कि यही प्रथमेश प्रसाद है जो होटल की डील करने आए हैं। अनन्या को इसी मौके की तलाश थी। वो जोसेफ को कुछ काम बताकर वहाँ से भेज देती है और खुद लॉबी में इंतजार करने लगती है प्रथमेश के बाहर आने का। वो सामने लगे शीशे में देखती है कि प्रथमेश नजदीक आ गया है। वो अपना फोन कान पर लगाती है और बात करने का नाटक करते हुए प्रथमेश के नजदीक ही आगे चलने लगती है। अरे वो आज कोई नया बकरा फंसने वाला है, महीने भर में ये होटल आज दूसरी बार बिकने वाला है। कुछ तो बात है जो सिर्फ ऊपर का मैनेजमेंट जानता है और नहीं चाहता कि किसी और को पता चले। यूं ही थोड़े ना गेस्ट नाराज होकर चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये गेस्ट को रोकने के लिए खुद शिखर सर को आना पड़ा था, वरना ऐसे कहीं होता है क्या? और सब सही चल रहा होता तो शिखर सर ये होटल क्यों बेचते? प्रथमेश सारी बातें सुन रहा था। वो अनन्या को रोकता है। अनन्या डर जाती है कि कहीं किसी स्टाफ ने प्रथमेश के सामने उसे पहचान लिया और प्रथमेश ने जाकर शिखर को ये बात बता दी तो उसका भांडा फूट जाएगा। अनन्या पीछे मुड़ती है। प्रथमेश अनन्या के पास आता है और कहता है, आप बता सकती हैं कॉन्फ्रेंस रूम का रास्ता किधर है? अनन्या की सांस में सांस आती है। वो आगे से बाएं। अनन्या इशारा करके उसे रास्ता बता देती है। उसे अपना इंट्रो देता है। हाय, मैं प्रथमेश प्रसाद। आप? प्रथमेश हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है। अनन्या अपना नाम बताकर उसे अपने बारे में बताती है। रचि, इसी होटल में काम करती हूँ। अनन्या पीछे से जोसेफ को आते हुए देखती है और इससे पहले कि वो पहुंचे, चलती हूँ कहकर वहां से चली जाती है। प्रथमेश कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में शिखर पहले से बैठा हुआ है। वो प्रथमेश को देखकर खड़ा होता है और अपना हाथ आगे करता है। हाय मिस्टर प्रसाद, मैं शिखर, इस होटल का मालिक। प्रथमेश बदले में अपना हाथ आगे बढ़ाए बिना ही कहता है, मिस्टर शिखर, आप ये बताएं कि आप ये होटल बेच क्यों रहे हैं? आपने कुछ दिन पहले ही ये होटल खरीदा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। शिखर सोच में पड़ जाता है। हाँ, आप सही है। सच मानिए, मैं भी होटल को बेचना नहीं चाहता। कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से बेच रहा हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? प्रथमेश पूछता है। वो मैं आपको नहीं बता सकता, शिखर कहता है। और फिर ये भी सच होगा कि आपको खुद आना पड़ता है गेस्ट को रोकने के लिए? प्रथमेश की बात सुनकर शिखर चुपचाप खड़ा रहता है। आप मुझे बता नहीं सकते तो मैं ये होटल नहीं खरीद सकता। और आपको मैं ही मिला था? ऐसी 5 डील्स मैं रोजाना करता हूँ, खामखा मेरा वक्त जाया कर दिया। मैं घाटे का सौदा नहीं करता। जाइए, किसी और को ढूंढिए, मैं नहीं फंसने वाला, प्रथमेश ये कहता है और अपने कोट का बटन बंद करते हुए वहां से चले जाता है। अरे रुकिए मिस्टर प्रसाद, मेरी बात तो सुनिए। शिखर जब मेज से घूमकर दरवाजे के बाहर आता है, प्रसाद वहां से चला गया था। शिखर भाग कर जब तक मेन गेट तक पहुंचता है, प्रसाद की गाड़ी निकल चुकी थी। शिखर हाथ पर हाथ धरे बस देखता रह जाता है। वो यही सोच रहा था कि प्रथमेश को ये बातें कैसे पता लगी। वो निराश हो गया था और शिखर ये समझ गया था कि ये होटल 3 दिन में तो नहीं बिकने वाला। पैसों का इंतजाम करने का एक ही रास्ता था, परीक्षा पास करना, और परीक्षा में अभी 4 दिन बाकी थे और नाइट क्लब को पैसे देने के लिए उसके पास सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। शिखर रवि को फोन करता है। होटल आजा, नाइट क्लब चलना है, एक बार मालिक से बात करके देखते हैं, अगर वो हमें 4 दिन की और मोहलत दे दे। हाँ हाँ, मैं होटल पहुँचता हूँ, तू वहीं मेरा इंतजार कर, शिखर ये सुनकर फोन काट देता है। शिखर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि अनन्या खड़ी है। कैसे रही मीटिंग? अनन्या शिखर से पूछती है जैसे उसे कुछ मालूम ही न हो। शिखर का चेहरा उतर चुका था। वो धीमे से कहता है, नहीं हुई डील। अनन्या देखती है शिखर बार बार बाहर की तरफ देख रहा था। कोई आ रहा है तुमसे मिलने, या तुम कहीं जा रहे हो? इतना जल्दी क्या है, डिनर करके जाना। रवि आ रहा है, एक बार नाइट क्लब जाकर उसके मालिक से बात करके देखते हैं, शायद कुछ और दिन की मोहलत दे दे। अनन्या ये सुनते ही चढ़ जाती है। शिखर, ये कुछ दिन से तुम्हें क्या हो गया है? और सारी दुनिया की मदद करने का ठेका तुमने ले लिया है क्या? क्या जादू कर दिया है उस लड़की ने तुम पे? सारी दुनिया का तो नहीं पता, पर मैं जिनकी मदद कर सकता हूँ कम से कम उनकी तो करूंगा, और खास कर
जब उन्होंने मेरी जान बचाई हो। शिखर ये कहकर तेज कदमों से वहाँ से चला जाता है। अनन्या वहीं खड़ी सोचती रह जाती है कि ऐसे ही चलता रहा तो उसका काम मुश्किल हो जाएगा। बाहर रवि बाइक लिए खड़ा था। शिखर बाइक पर बैठता है और दोनों नाइट क्लब की तरफ रवाना हो जाते हैं। शिखर नाइट क्लब पहुंचता है और सीधा मालिक के पास जाता है। तुम तो बड़े तेज निकले, इतनी जल्दी पैसे भी ले आए, मालिक उसे देखते ही कहता है। शिखर आगे बढ़कर कहता है, मैं आपसे उसी बारे में बातचीत करने आया हूँ। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि 3 दिन में पैसे दे दूंगा, पर मुझे 2 दिन की और मोहलत चाहिए। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं पैसे ले आऊंगा। शिखर की ये बात सुनकर मालिक हंसते हुए कहता है, तुम्हारा भरोसा करूं? अरे जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। 2 और दिन में ऐसा क्या कर लोगे जो अब तक नहीं कर पाए? शिखर कहता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं आऊंगा पैसे लेकर। मालिक तंज कसते हुए कहता है, ठीक है, जब पैसों का इंतजाम हो जाए ले आना, मैं यही मिलूंगा तुम्हें। बस देखना, अगर देर हो गई तो शीना जा रही होगी पुलिस वैन में और मैं भी उसे बचा नहीं पाऊंगा। मैं देर नहीं करूंगा। शिखर आश्वासन देकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर शिखर किताबें उठाकर परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। बबीता उस पर ध्यान रख रही है और रवि बबीता पर। वो बबीता के पास जाता है, आपकी शादी हो गई क्या? शिखर रवि की बात सुनता है पर नजरअंदाज कर पढ़ने में लगा रहता है। बबीता भी उसे नजरअंदाज करके अपने लैपटॉप में व्यस्त होने का नाटक करती है। बॉयफ्रेंड तो होगा, बबीता उसे चुप करने के लिए कहती है। नहीं है। टाइम ही कहाँ मिलता होगा, पूरे टाइम तो आप यहाँ होती है, रवि हंसते हुए कहता है। बबीता चुट जाती है और रवि को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहती है, तुम थोड़ा बाहर क्यों नहीं घूमाते, अच्छी हवा चल रही है। रवि चुड़कर बाहर चला जाता है। शिखर चुपचाप मुस्कुराते हुए वापस पढ़ने में लग जाता है। दिन बीत जाता है और 5वें दिन शिखर परीक्षा के लिए बैठता है। परीक्षा की ऑनलाइन साइट पर उसके सामने एक प्रश्न पत्र खुलता है। शिखर एक एक करके जवाबों पर टिक करता जाता है। पीछे रवि दांतों तले उंगलियां दबाए खड़ा है। शिखर से ज्यादा तनाव रवि के चेहरे पर था। पीछे बबीता खड़े उन दोनों को देख रही है। शिखर आखिरी जवाब पर टिक कर आंसर शीट सबमिट कर देता है। स्क्रीन पर प्रोसेसिंग होती दिखाई देती है। कुछ देर में रिजल्ट का संदेश आ जाता है। शिखर तुरंत वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक करता है। प्रोसेसिंग होती है, स्क्रीन पर रिजल्ट के नीचे लिखा आता है पास्ट। रवि खुशी से चिल्ला पड़ता है। पीछे से बबीता भी मुस्कुराती है। शिखर ने परीक्षा पास ही नहीं की थी बल्कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 37 आई थी। शिखर का फोन पिंग होता है। पैसे क्रेडिट होने का मैसेज आ गया था, पूरे 6 करोड़। शिखर सब छोड़कर पैसे लेकर वहां से भागता है और सीधा नाइट क्लब पहुंचता है। वहां पुलिस वैन खड़ी है। दूर से उसे शीना उसमें बैठी दिखती है। वो वैन की तरफ जितना तेजी से भाग सकता है भागता है पर वैन चली जाती है। क्या शिखर शीना को बचा पाएगा? शीना के साथ क्या होगा जेल में? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलिनियर डिलीवरी बॉय।